हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो लास्ट क्लास में जहां से खत्म किया था वहीं से हम इसको प्रोसीड करते हैं। आपने देख लिया था केपी, केवी और के। केपी को क्या बोला? पोजिशनल एरर कोफिशिएंट। केवी को क्या बोला? वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट। और के को क्या बोला? आपने बोला एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट। ठीक है, यदि आप इस वाले फॉर्मूले की बात करें तो ये किसके लिए डिफाइन किया था आपने? स्टेप इनपुट के लिए। आपका इनपुट कौन सा था? स्टेप इनपुट था, यस और नो? आप बात करेंगे रैंप के लिए तो रैंप के लिए आपको वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट में जाना पड़ेगा। पैराबोलिक है तो उसको आपको यहाँ इसकी शरण में जाना पड़ेगा। तो कितना आसान हो गया ना। यूनिट स्टेप पूछता है तो ये रहा फॉर्मूला, रैंप पूछता है तो ये रहा फॉर्मूला, पैराबोलिक पूछता है तो ये रहा फॉर्मूला। आसान है, इजी है, मजेदार है। ठीक है, अच्छा सर, आपने बोला कि E ऑफ स्टेडी स्टेट एरर जो है वो फंक्शन है किसका? R ऑफ S और G ऑफ S का। क्यों बोला भाई मैंने? हम लोगों ने डिराइव करके लेके आया ना ये चीज। तो R ऑफ S सर, आपने तीन इनपुट ले लिए, कौन कौन से? स्टेप इनपुट ले लिया आपने, रैंप इनपुट ले लिया आपने, और इसके बाद पैराबोलिक ले लिया, isn't it? पैराबोलिक ले लिया, इसके रिस्पेक्ट में एरर का डिजाइन कर लिया कि एरर ऐसी होती है। स्टिल यहाँ पे देखो तो KP वैल्यू फाइंड कर लो, तो अब आप क्या कर लोगे? KP की वैल्यू फाइंड कर लोगे तो आप एरर फाइंड कर लोगे। KP खुद किस पे डिपेंड है राजा? G ऑफ S से। तो अब सिस्टम की बारी आ जाएगी। किसकी बारी आ जाएगी? सिस्टम इस पे डिपेंडेंसी, क्योंकि एरर तो कॉम्बो है ना इनपुट और जी ऑफ एस सिस्टम के पैरामीटर, बोले तो ट्रांसफर फंक्शन का। तो इनपुट के रिस्पेक्ट में आपने कुछ डिजाइन कर लिया है, अब वो जो कुछ है वो डिपेंड करेगा जी ऑफ एस पे। देखो कर रहा है। अब हम सिस्टम के अंदर जाएंगे। ठीक है, सिस्टम ये जी ऑफ एस जो दिख रहा है ना, इसके अंदर हम जाते हैं। आपके सामने कुछ भी इरेज नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब हम सिस्टम को समझते हैं। ओके, हम ये देखेंगे अब एरर ड्यू टू, ये जो है स्टेप इनपुट है ना, इनपुट को चलो फिक्स रहने देते हैं, अब सिस्टम टाइप चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अभी तक ये देख लिया ना, इनपुट जो है आपका जो एरर है वो सेट ऑफ किसका है? इनपुट और सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन का, यस और नो? तो इनपुट के रिस्पेक्ट में कुछ हमने कर लिया है, अब सिस्टम की एंट्री करते हैं। ठीक है, पहले तो सिस्टम की डिजाइन समझ लेते हैं। इस टेबल से रिलेट कर देने वाला हूं मैं चीजों को। ठीक है, एकदम इजी बना देंगे टास्क आप लोगों के लिए। ठीक है, पहले सिस्टम समझ लो। सपोज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है तो ट्रांसफर फंक्शन ये हम बेसिक्स कॉन्सेप्ट में समझ चुके हैं। ट्रांसफर फंक्शन है, जी ऑफ एस है, आप यदि डिफाइन कर रहे हो ये तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, नॉट यूनिटी फीडबैक सिस्टम का। ठीक है, इसको आप करोगे तो क्या करोगे? आप गेन लिखोगे, एस माइनस एस ए करोगे, एस प्लस एस बी करोगे, एन सो एन को जीरो बोलूंगा मैं। ठीक है, एस टू द पावर एन, एस प्लस एस वन, एस प्लस एस टू, देखे थे ना हम इस टाइप का कुछ? ये फ्रिक्वेंसी डोमेन वर्जन है, एक टाइम डोमेन वर्जन भी देखे थे। तो ये क्या है? ये इसको क्या बोला था? गेन ऑफ द सिस्टम। इसको क्या बोला था? गेन ऑफ द सिस्टम। ये एन क्या है? ये दिस इज नथिंग बट द टाइप ऑफ द सिस्टम, टाइप ऑफ द सिस्टम। तो एस टू द पावर एन मतलब क्या? पोलेट ओरिजिन, जितने पोलेट ओरिजिन है उतना उसका क्या है? टाइप ऑफ द सिस्टम है। अब देखो जो सिस्टम है ना, सिस्टम का टाइप इसको अफेक्ट करने वाला है, सिस्टम का टाइप इसको अफेक्ट करेगा, इसलिए टाइप के रिस्पेक्ट में ही चीजें देखेंगे। सर क्या बोल रहे हो, क्या टाइप इसको करने वाला है बताइए मुझे, क्या टाइप इसको अफेक्ट करेगा? सपोज जी ऑफ एस, देखो मैं देखिएगा जरा, जी ऑफ एस मैंने ले लिया है, रेंडमली ले रहा हूं मैं, एस प्लस वन डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस एस प्लस टू, रेंडम ले लिया है। टाइप ऑफ द सिस्टम बोलोगे? टू बोलोगे। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है तो टाइप हमेशा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए डिफाइंड है। कोई सा भी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम दिया है उसके टाइप के बारे में पूछा गया तो उसको आप पहले उसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करो, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के बाद ही टाइप बता सकते हैं, पोलेट ओरिजिन बता सकते हो आप। ठीक है, तो अब देखो, अब एरर फाइंड कर रहे हो, स्टेडी स्टेट एरर पूछा जा रहा है। अब आपसे क्या कहा गया है कि बेटा रमेश, जो भी आपका नाम है, कि जी ऑफ एस बेटा ये है। ठीक है, और सामने वाले ने बोल दिया कि इनपुट जो है वो है आपका
रैंप इनपुट आपसे बोला गया है कि आपको मैं टाइप टू सिस्टम दे रहा हूं जो कि ये है इनपुट, आप उस पर रैंप दोगे, बताओ स्टेडी स्टेट एरर क्या है। तो आप कहां जाओगे, आप इस फॉर्मूले की शरण में जाओगे ना, कौन सा फॉर्मूला, 1/kV सर, 1/kV भाई रैंप इनपुट है, 1/kV बोलेगा, केवी की वैल्यू निकालना पड़ेगी ना, तो केवी की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस एन टू जी ऑफ एस। तो एस एन टू जी ऑफ एस पे जब आएंगे अपन लिमिट एस टेंड्स टू 0 में, तो यहाँ देखो एस इन टू जी ऑफ एस क्या रखोगे, एस प्लस 1 एस स्क्वायर डिवाइड बाई एस प्लस 2, एस इक्वल टू 0 रखो यहाँ पे, जरा एक एस से एक एस कट गया, एस इक्वल टू 0, 1/0 इज नथिंग बट इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट केवी की वैल्यू इनफाइनाइट लेके आया ना, 1/इनफाइनाइट इज नथिंग बट 0, ये 0 हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि बेटा रमेश इनपुट है रैंप इनपुट, टाइप टू सिस्टम है जो कि ये है, एरर क्या होगी, 0 होगी, सिद्धत के साथ बोलना है, कौन सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, ये टाइप वन होता इनफाइनाइट नहीं आता राजा, देख ले टाइप वन होता एस से एस गया, इसकी वैल्यू आ रही है 1/2, यहां रखो एरर आ गई 2, वाह ये पोल हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ध्यान रखना, लेकिन टाइप फर्क कर देगा। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइप हम सिस्टम को डिफाइन करेंगे, समझ में आ गया, कौन से समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बस देखते जाइए फिर मजे आते जाएंगे, ठीक है, ओके रमेश। चलो बेटा तो ये कहानी हो गई ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमने देख लिया, ट्रांसफर फंक्शन देख लिया, पोल जीरो सारा हमने देखा, टाइप क्या है सब आपको मालूम है, तो इनसाइड जाने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है, ओके डियर फ्रेंड्स। तो हेडिंग क्या करूं सर, हेडिंग क्या रखो, हेडिंग क्या रखना पड़ेगी मुझे वो देखिए, हेडिंग मेरी है एरर, हेडिंग क्या है, स्टेडी स्टेट एरर फॉर टाइप वन सिस्टम, टाइप जीरो सिस्टम, टाइप टू सिस्टम। सो टाइप जीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आपकी हेडिंग रहने वाली है प्यारे बच्चे स्टेडी स्टेट एरर फॉर टाइप जीरो सिस्टम, स्टेडी स्टेट एरर फॉर टाइप जीरो सिस्टम के लिए हम देखने वाले हैं, क्लियर है क्या। चलिए तो क्लियर है तो एक टाइप वन जीरो सिस्टम ले लेते हैं, एक जी ऑफ एस ले लिया मैंने, जी ऑफ एस ले लिया, और ये जी ऑफ एस प्यारे बच्चे मैंने ले लिया के एस प्लस ए डिवाइड बाय एस टू द पावर 0 एस प्लस बी, ये ले लिया मैंने, ठीक है, आप लोगों के लिए, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा, आपकी इच्छा, ठीक है। टाइप जीरो होना ये मेरा मकसद है, टाइप जीरो है, टाइप जीरो होना मतलब एस की पावर वहां पे कुछ है ही नहीं, टाइप जीरो एस टू पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस टाइप का ट्रांसफर फंक्शन दिया, तो हमने क्या बोला, स्टेडी स्टेट एरर फॉर टाइप जीरो सिस्टम, टाइप जीरो सिस्टम मतलब आपने क्या लिया हुआ है रे, आपने लिया हुआ है टाइप जीरो सिस्टम, इस टाइप जीरो सिस्टम को आप देंगे स्टेप इनपुट, फिर देंगे दूसरी बार रैंप इनपुट, तीसरी बार पैराबोलिक इनपुट, पैराबोलिक इनपुट, एक बार इसमें देखते हैं, एक बार इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं। तो आप सिस्टम का कुछ भी टाइप बोलो, एक बात तो आपने पता कर ली कि कोई स्टेप इनपुट देके आपसे पूछे कि एरर बता, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे स्टेडी स्टेट एरर फॉर द यूनिट स्टेप इनपुट इज नथिंग बट 1/1 KP। आपसे कोई पूछे कि पैराबोलिक इनपुट है स्टेडी स्टेट क्या होगी, आप बोलोगे 1/K, के की वैल्यू है, केपी की वैल्यू है, केवी की वैल्यू है आपके पास, समझ में आ रहा होगा मेरी बात का। टाइप जीरो सिस्टम लिया है हमने, तो टाइप जीरो सिस्टम लो, 1 लो 2 लो 3 लो, इनपुट तो तीनों देंगे ना, एक इनपुट से चेक करो दूसरे इनपुट, टाइप जीरो सिस्टम यूनिट स्टेप को क्या रिस्पोंड करता है, टाइप जीरो सिस्टम रैंप को क्या रिस्पोंड करता है, टाइप जीरो सिस्टम पैराबोलिक को क्या रिस्पोंड करता है, वो तो आपकी जिम्मेदारी है ना लेना, यस। तो चलो आपने ले लिया टाइप जीरो सिस्टम, ले लिया टाइप जीरो सिस्टम, ओके। अब हम डिफाइन करते हैं एरर 1/1 फॉर ऑल दिस इनपुट, स्टेप इनपुट के लिए डिफाइन कर देंगे, रैंप के लिए डिफाइन कर देंगे, और हम डिफाइन करेंगे किसके लिए, हम डिफाइन करेंगे आपका पैराबोलिक के लिए, समझ में आ रहा है। चलो इसी टेबल को मैं मस्त बनाते जा रहा हूँ,
आपका टाइप जीरो ले रहे हो आप, टाइप जीरो, टाइप जीरो के लिए ये टेबल आगे बढ़ाता हूँ मैं, ठीक है, टाइप जीरो के लिए ये टेबल मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, मतलब टाइप जीरो के लिए देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है, देखते हैं। टाइप जीरो सिस्टम ले रखा है प्यारे, टाइप जीरो सिस्टम ले लिया है और इनपुट ले लिया यूनिट स्टेप, इनपुट क्या ले लिया यूनिट स्टेप, दिख ही रहा है आपको पहला यूनिट स्टेप है। कोई आपसे पूछा एरर कितना है, तो एरर हो गई आपकी 1/1 KP, KP क्या प्यारे बच्चे, KP है आपका लिमिट S→0 G(S). G(S) क्या है यहाँ से, लिमिट S→0 K S+A S+B एंड सो ऑन। अब आप बताओ S की वैल्यू जैसे ही जीरो रखोगे क्या ये जीरो आएगा, नो, क्या ये इनफाइनाइट आएगा, नो, क्या आएगा ये कॉन्स्टेंट आएगा, ये क्या आएगा कॉन्स्टेंट, जो भी आएगा एक कॉन्स्टेंट न्यूमरिक वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ पे, यस और नो। तो KP इक्वल टू हो गया ये कॉन्स्टेंट, तो आप मुझे बताइए 1/1 कॉन्स्टेंट ओवरऑल क्या मिलने वाला है आपको, कॉन्स्टेंट, कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट मिलेगा ना। तो जब भी टाइप जीरो सिस्टम को स्टेप इनपुट रहेगा तो यहाँ क्या मिलेगा, कॉन्स्टेंट, कुछ ना कुछ मिलेगा राजा, कुछ ना कुछ मिलेगा, बात समझ में आ गई। अच्छा ये बताइए फिर सर, ये देखते हैं, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आपका इनपुट हो गया रैंप इनपुट, टाइप जीरो में ही है अभी हम, रैंप इनपुट हो गया। रैंप इनपुट के लिए आपकी जो एरर है कौन सी, स्टेडी स्टेट एरर, वो क्या है, वो है लिमिट S→0 1/KV, 1/KV है ना, चलिए केवी की वैल्यू बोलिए, केवी की वैल्यू है लिमिट S→0 S मल्टीप्लाई विथ G(S), सो लिमिट S→0 S मल्टीप्लाई विथ K S+A S+B एंड सो ऑन। अब मुझे बताइए S की वैल्यू जीरो रखी है तो इसमें ये जीरो टू ऑल टर्म्स ये क्या बन गया, जीरो बन गया, यहाँ से क्या बन गया जीरो, S की वैल्यू जीरो रखी तो, क्योंकि फॉर्मूला पता है हमें इसका केवी का ये होता है, तो अब केवी की वैल्यू जीरो आई तो यहाँ पे 1/0 रख दीजिए तो ये क्या बन गया इनफाइनाइट, सॉरी इनफाइनाइट एरर इनफाइनाइट है, मतलब टाइप जीरो सिस्टम है और रैंप इनपुट दोगे तो एरर इनफाइनाइट है। अच्छा लिख लिया ना पैराबोलिक, लेट्स कम टू द पैराबोलिक, पैराबोलिक के लिए आप लिखोगे KA, K की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा S2, अगेन इसकी वैल्यू क्या आएगी जीरो, सो 1/0 इज नथिंग बट इनफाइनाइट, सो यहाँ पे भी क्या आ गया राजा इनफाइनाइट आ गया, वाह क्या बात है। टाइप जीरो सिस्टम के लिए, टाइप जीरो सिस्टम के लिए ओनली यूनिट स्टेप में कॉन्स्टेंट मिलेगा, इन दोनों में इनफाइनाइट मिलेगा सर, हाँ इनफाइनाइट मिलेगा, डिराइव कर लिया, ठीक है। इसी प्रकार सेकेंड टर्म में आप टाइप वन सिस्टम लेंगे, टाइप वन सिस्टम लेंगे, एक एस की एंट्री हो गई यहाँ पे, एक एस की एंट्री हो गई, तो टाइप वन सिस्टम को आप यूनिट स्टेप दीजिए, जरा आप दीजिए यूनिट स्टेप, यूनिट स्टेप के केस में एरर जो है वो क्या हो गई बच्चा, 1/1 KP बन गई ना, तो KP बताइए, KP इज नथिंग बट लिमिट S→0 KS+A डिवाइड बाय S S+B एंड सो ऑन, S इक्वल टू जीरो रखिए तो यहाँ जीरो आएगा, 1/0 क्या हो गया इनफाइनाइट, सो 1/1 इनफाइनाइट, सो दिस इज नथिंग बट जीरो, जीरो एरर आ गई टाइप वन के लिए यूनिट स्टेप इनपुट पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखिए टाइप वन की बात कर रहे हैं हम, इसके लिए एरर क्या आ गई जीरो, इसके लिए एरर कितनी आ गई जीरो आ गई ना। इसके लिए देखते हैं जरा, इसके लिए देखेंगे तो एरर जो होगी वो क्या होगी, लिमिट S→0 1/KV, केवी की वैल्यू आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे लिमिट S→0 S × G(S) बोलोगे आप, सो S × G(S) की वैल्यू क्या है KS+A डिवाइड बाय S S+B एंड सो ऑन, S सेट गोट कैंसल, लिमिट S→0, अब S→0 रखेंगे तो क्या आइटम जीरो आएगी, नहीं आएगी, क्या इनफाइनाइट आएगी, नहीं आएगी, ये क्या आएगी कॉन्स्टेंट आएगी, ये क्या आएगी भैया कॉन्स्टेंट आएगी। तो अब आप मुझे बताइए 1/कॉन्स्टेंट इज नथिंग बट क्या कॉन्स्टेंट, यहाँ क्या मिलेगा कॉन्स्टेंट मिलेगा भाई,
कॉन्स्टेंट मिलेगा, अब ये वाला कर लो, अब ये वाला आपको इनफाइनाइट मिलेगा, करके देख लो। ठीक है, नेक्स्ट में टाइप टू सिस्टम लेंगे, टाइप टू सिस्टम लेंगे, टाइप टू सिस्टम लेंगे, तो टाइप टू सिस्टम में ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, ये कॉन्स्टेंट आएगा राजा, ये क्या आएगा, कॉन्स्टेंट आने वाला है आपका। ठीक है, ये टेबल बड़ी ध्यान से ऑब्जर्व करिए, बड़ी ध्यान से ऑब्जर्व करिए। ठीक है, ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ड्रॉ कर लीजिए अच्छे से। ठीक, देख लिया आपने कहानी को, देख लो अब आपकी जो एरर थी वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, एक तो इनपुट पे और एक आपके सिस्टम गेन, सिस्टम जी ऑफ एस पे, है ना। इसको ये जो दिख रहा है आपको, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिस्टम को, सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखा रहा है ना। ठीक है, सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स, आप इनकी बात करें तो ये क्या है, इनपुट्स को शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, इनपुट्स को शो कर रहा है। तो एरर जो थी वो किस पे डिपेंड करती है, एक तो इनपुट पे और एक सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो देखो ना, दोनों जब मिले कि आपको सिस्टम के बारे में बताया गया, आपको इनपुट के बारे में बताया गया, तभी जाके आपने कंक्लूजन दिया है, तभी जाके आपने कंक्लूजन दिया है। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है, यस और नो, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो चलिए फाइनली ये दो क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, अभी तक जो पढ़ा उसका कंक्लूजन क्या, उसका कंक्लूजन ये निकला कि टाइप ऑफ द सिस्टम इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ द इनपुट, जीरो एरर मिलेगा, बराबर है कॉन्स्टेंट मिलेगा, इनपुट बड़ा है सिस्टम से तो इनफाइनाइट मिलेगा। ठीक है, एक्चुअली क्या होगा, आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, तो आपको कॉन्सेप्ट सीखने के बाद जो आउटकम है वो यदि याद रख लिया सपोज, तो आप कुछ क्वेश्चंस को डायरेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज पहले आप सोचेंगे कि क्या कहानी है भाई, कौन बड़ा क्या छोटा, उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे। कोई नहीं, सोचेंगे अभी तो ज्यादा टाइम तो लगना नहीं है, बिकॉज कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग हो चुके हैं, ये सुन लो। तो अब मेरी बात सुनिएगा जरा, ये यदि याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक या जिसे कहते हैं कि लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज करके कैसे याद रख सकते हैं, एक ट्रिक दे देता हूं, मैंने जैसे याद किया था आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप याद रख सकते हैं, फनी ट्रिक है, अब बताता हूं मैं। ठीक है, ये है सिस्टम, सिस्टम राइट, मेरे को ब्लू पेन लेना पड़ेगा, सिस्टम, सिस्टम यानी कि सिस्टम जी ऑफ एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इनपुट, इनपुट आर ऑफ एस, जो कि आपने स्टेप लिया, रिम्प लिया, पैराबोलिक लिया। ठीक है, तो एस आई, ठीक है, यही क्रम है ना इसका, नंबर, ये नंबरिंग सीक्वेंस यही है ना, एस पहले फिर आपका इनपुट और ओ, एस आई ओ, इसको याद कर लिया, एस बड़ा सिस्टम बड़ा इनपुट से तो जीरो, याद करने का तरीका एस आई, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर क्या देता है भाई, ऑर्डर देता है, एस आई ओ, कहानी खत्म। विजुअलाइज कर लिया, अच्छा एस आई ऑर्डर, एस आई ओ, अब आपको कुछ मतलब इसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, सिस्टम बड़ा इनपुट से जीरो, सिस्टम बड़ा इनपुट से जीरो, एस आई ओ, सब इंस्पेक्टर ऑर्डर देता है। ठीक है, तरीका है, देखो विजुअल चीजों को माइंड ज्यादा दिनों तक याद रखता है, तो बचपन में सीखा था तो यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, अच्छा लगे तो ले सकते हैं। दूसरा, बराबर के केस में तो आपका कॉन्स्टेंट है, इसमें तो किसी को कोई दो राय है नहीं, एस आई यदि बराबर हो जाए इसका मतलब ये कि वो कॉन्स्टेंट होता है। दूसरा होता है, इनपुट बड़ा है ना एस से, तो पहले आई लिखोगे फिर एस लिखोगे, और इनफाइनाइट का आई, इनफाइनाइट, तो ये बन गया आपका आई एस आई। अब आई एस आई का नाम किसने नहीं सुना भाई, तो देखो आई एस आई याद रहेगी आपके दिमाग को परमानेंटली, इनपुट बड़ा सिस्टम से इनफाइनाइट, कहानी खत्म हो गई वही, तो रूल हो गया आपका एस आई ओ आई एस आई। ठीक है, कहानी खत्म हो गई, आई एस आई एस आई ओ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, और वो क्वेश्चन नंबर रहेगा 92, है ना, 91 क्वेश्चंस वी हैव डन येट, क्वेश्चन रहेगा ये 91 और ये रहेगा 92। क्वेश्चन पढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। क्वेश्चन बोला, फाइंड द स्टेडी स्टेट एरर टू द गिवन यूनिट फीडबैक सिस्टम, उसका जी ऑफ एस दे दिया है आपको, टू द इनपुट ऑफ 10 + 5t + t² / 2, ये इनपुट दे दिया है आपको। ओके, इनपुट दे दिया है, जी ऑफ एस दे दिया, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि सपोज एक सिस्टम है, एक सिस्टम है,
एक सिस्टम है उसका जियोफेस ले रहा हूं मैं, ठीक है, उसका सिर्फ जियोफेस ले रहा हूं मैं यहां पे, क्योंकि जियोफेस का नीड है हमें। एरर को डिफाइन किया था, रिमेंबर और नॉट, एरर को डिफाइन किया था, एरर इज द फंक्शन ऑफ आर ऑफ एस और जियोफेस। तो ये जियोफेस लिया, इसको आपने इनपुट दिया, सपोज यू टी प्लस टी यू टी प्लस टी स्क्वायर बाई टू यू टी, ये इनपुट दिए, और कोई आपसे पूछे स्टेडी स्टेट एरर क्या है, तो इसका स्टेडी स्टेट एरर जो होगा प्यारे बच्चे, यूनिट स्टेप के कारण क्या होता है, 1/1 प्लस के पी प्लस दूसरे का बोलो 1/kV, तीसरे का बोलो 1/kA, एरर भी ये रहेगा, इंडिविजुअल एरर समेशन, इनपुट समेशन, आउटपुट समेशन, एरर इज फाइनल और नॉट। नाउ यू नो वेरी वेल व्हाट इज द केपी फॉर्मूला, केवी फॉर्मूला, केए फॉर्मूला, कहानी यही एग्जीक्यूट हो चुकी है आपकी। अब देखिए जरा फॉर दिस क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो जी ऑफ एस है प्यारे बच्चे वो है 5s प्लस 1 डिवाइड बाय एस स्क्वायर एस प्लस 3 और सॉरी एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 3 और ये है एस प्लस 5। अब जो इनपुट है ना, जो इनपुट है वो दिया गया है 10 यू टी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, 10 प्लस 5 टी प्लस टी स्क्वायर बाय 2। अब इसको u of t लिख सकते हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट t ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब भैया मुझे इसका इनपुट की यदि बात करेंगे तो कहानी सीधी है, कहानी सीधी क्या है कि अब हमने बोला था ये है 10 यू टी तो ये हो जाएगा 10 बाई 1 प्लस के पी, ये है 5 टी तो ये हो जाएगा 5 बाई के वी, ये इसका जो मल्टीप्लीकेशन वो 1 ही है कॉफिशियंट, तो 1 बाई के। अब केपी केवी के आप में से किसको नहीं पता है बताइए जरा, सभी को पता है, अभी थोड़ी देर पहले किया है, और कितना इजी है। कोई आपसे केपी की बात करेगा तो आप क्या बोलोगे, लिमिट एस टेंस टू जीरो जी ऑफ एस, जी ऑफ एस, यस और नो, कहां जी ऑफ एस, ये रहा, पकड़ के लेके आओ इसको, जी ऑफ एस को पकड़ के लेके आए, यहां पर रखा, तो केपी की वैल्यू आप सभी ईमानदारी से बोलिए इनफाइनाइट आएगी क्या, यस और नो, इनफाइनाइट आएगी। तो इनफाइनाइट यहां पे रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आई, जीरो, जीरो प्लस, जीरो प्लस। चलिए केवी की बात करते हैं सर, केवी की बात करते हैं, केवी इज नथिंग बट लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू जी ऑफ एस, एस इंटू जी ऑफ एस, एक डिनोमिनेटर का जो एस है वो कट जाएगा, जीरो पुट करोगे तो इसकी भी वैल्यू क्या आई राजा, इनफाइनाइट आई, वन बाई इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या आई, जीरो आई। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, के ए निकालिए जरा, के ए निकालेंगे तो ये होगा लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर और आपका जी ऑफ एस, एस स्क्वायर गेट कैंसल्ड, नाउ पुट द वैल्यू एस इक्वल टू जीरो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 5 डिवाइड बाय बोलेंगे 3 इंटू 5, सो दिस इज नथिंग बट 1/3, 1/3 आया राजा, सो 1/3 यहां रखोगे, के की वैल्यू कितनी है 1/3, केवी की वैल्यू क्या थी इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या थी इनफाइनाइट, 1/3 कितना आया 3, एरर कितनी आई 3 आई, एरर कितनी आई टोटल समेशन 3, जो उसने पूछा उसकी वैल्यू कितनी आई 3 फॉर दिस क्वेश्चन, कितना आसान है बताइए मुझे, यस और नो। अब देखो ये कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं, यदि आपको SI और ISI पता है ना, देखिएगा जरा, देखिएगा मेरे भाई, इसको हम करते हैं यहाँ से पहले खत्म, चलिए ये हो गया खत्म यहाँ से, ठीक है, ISI SIO कहाँ से लगा पाऊंगा मैं, अब देखिएगा जरा टाइप कितना है राजा, सिस्टम, ये सिस्टम है ना, सिस्टम का जो टाइप है वो 2 है, सॉरी ये सिस्टम है, टाइप कितना है इसका, टाइप 2 सिस्टम है, टाइप 2 सिस्टम है, ठीक है, यस और नो, टाइप क्या है 2 है। अच्छा इनपुट पे आते हैं, इसका ऑर्डर कितना है बोलेंगे 0, इसका ऑर्डर कितना है 1, इसका ऑर्डर कितना है 2, ऑर्डर कहाँ से, कैसे डिफाइन किया, टाइम से डिफाइन किया मैंने, यस टाइम से डिफाइन किया ना, टाइम टी टू पावर, टी की पावर 0, टी की पावर 1, टी की पावर 2, चलिए टाइप कितना है 2, ठीक है, तो एस आई ओ, किस किस के लिए एस आई ओ लग रहा है भाई, टाइप देख लो, टाइप ये टाइप ये टाइप, ठीक है, यस और नो, ये इनपुट है,
दिस इज नथिंग बट इनपुट, ये टाइप है किसका, सिस्टम का, तो एस आई ओ, ठीक है, दो बड़ा है जीरो से जीरो, दो बड़ा है एक से जीरो, दो बराबर दो, यहाँ पे कॉन्स्टेंट आएगा, तो इन दोनों जो शुरू के फैक्टर है उससे जीरो जीरो है, तो ना इससे कैलकुलेट करो ना इससे कैलकुलेट करो, जीरो प्लस जीरो डायरेक्ट समझ लो, कैसे समझ लो कि सर टाइप बड़ा है इसके, इससे भी और इससे भी, तो जीरो जीरो, यहाँ इसकी निकाल लो बस, तो बस इसके निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ के निकालना पड़ेगा जो वन बाई थ्री आया था, रख देना है सिस्टम में, सो दिस इज नथिंग बट थ्री, दैट सेट, कहानी खत्म। यहाँ पे उसका एक अच्छा यूजफुल क्वेश्चन मैंने लिया, अब इतना आसान क्वेश्चन है, इतनी बेहतरीन चीज़ें हैं, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा राजा, ठीक है। क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, फाइंड स्टडी सेट टू द गिवन योर फीडबैक सिस्टम, फीडबैक सिस्टम दिया है जी एफ एस टेन डिवाइड बाई एस एस प्लस फाइव, एच ऑफ एस इक्वल टू वन, और आपके पास इनपुट्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहले टाइप, टाइप सिस्टम का टाइप कितना है राजा, टाइप है आपका वन है सर, तो पहला क्वेश्चन एग्जीक्यूट करते हैं, क्वेश्चन नंबर वन, यहाँ पे क्या है भाई, इनपुट क्या, इनपुट का ऑर्डर कितना है, जीरो है, टाइप बड़ा है जीरो से, तो इसकी वैल्यू कितनी, जीरो।